ये आ गई अब मटन और जबरदस्त 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको लग रहा होगा कि उन्होंने मुझे एक सोडा एक्स्ट्रा फ्री दिया, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, फिर ऐसी बात नहीं है। इस बंदे ने मेरी ऐनक तोड़ दी है खाते खाते, अब दांत निकाल रहा है। अब मैंने नहीं तोड़ी यार। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं मैंने नहीं तोड़ी, मान लेते हैं। तो अब मैं इसकी बात करूँ ना, जो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि एक तो रेट बहुत ज़्यादा मुनासिब था, यानी यार 30 या 50 रुपये में आपको सब चीज़ों का मिक्सर मिल जाता है, दाल चने और दही बड़े, 30 या 85 रुपये क्या आता है आजकल, कुछ आता नहीं आता। और बाकी जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो इनका मसाला और जो वो ये डालते हैं ना चटनी से, चटनियाँ डालते हैं वो ज़्यादा बहुत अच्छी हैं। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऋषि ड्रिंक बार, और वहाँ तो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तुम्हारे हाथ से लंबी होती है। हाँ, तो अब हम जाते हैं छः नंबर वहाँ ऋषि ड्रिंक कॉर्नर पे, आपको कुछ रिफ्रेश करते हैं तो मसाले। नहीं, एक मिनट, हम 7 नंबर के लिए जाते हैं। 7 नंबर पे कुछ नहीं है, 6 नंबर चलते हैं। चलो जी चलते हैं 6 नंबर। तो मैं आ चुका हूँ जी गर्देजी मार्केट रशीद कोर्ट कॉर्नर पे, और आप सीन्स चेक कर रहे हैं। नोमी भाई ने बोला था यहाँ पे बहुत लंबी लंबी कितारें होती हैं, बंदों की कितारें तो नहीं है लेकिन मोटरसाइकिलों की कितारें ज़रूर हैं। और यहाँ से हमारी ये याद जुड़ी है कि जब मैं किप्स आता होता था बोसन रोड पे, तो लाजमी यहाँ से सोडा पीने आता था, और इनके तकरीबन 20 फ्लेवर्स हैं और सब डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, बहुत हैवी होते हैं। इस तरह का सोडा मैंने अपनी लाइफ में लाहौर में नहीं पिया। लाहौर में आपको स्लश ज़रूर मिल जाता है, बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन सोडा और उसके इतने फ्लेवर्स आपको नहीं मिलते, और वो अलग बात है। कभी कभी किप्स से बंक मार के भी इधर आते होते थे, तो काफ़ी यादें हैं तब की। अस्सलाम वालेकुम सर। कितना टाइम हो गया अपनी इस दुकान को? 35 साल। और किधर किधर ब्रांच है अपनी? मॉडल टाउन है, गोलबाग है। गोलबाग है, एक कॉकटेल लगाएं। चलो जी ये चेक करें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो तकरीबन 17 फ्लेवर हैं, और 17 फ्लेवर वाला आपको कॉकटेल मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो ये हमारा कॉकटेल आ चुका है, और ट्राई करते हैं। मैं और क्या कहूँ, सुबह से मैंने बड़ी मिर्चे वाली चीज़ें खाई हैं। सो ये पहले मेरा इस तरह की चीज़ है, सोडा वगैरह, यू नो। ओह, फुल रिफ्रेशिंग है, फुल ठंडा है, और मैं कहूँ ना अगर आम अल्फाज में चौकस चौकस भाईजन चौकस, इसको पी के ना आपके अंदर इस तरह की एनर्जी आती है, वो जो मुज़ाकरात में नहीं आता, इंस्पेक्टर नरगोली, नरगोली आता है आप लोग, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने मुझे एक सोडा एक्स्ट्रा फ्री दिया, इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, फिर ऐसी बात नहीं है। सॉरी, ऐसा होता है यार, ये मुझे खुद सोडे की तरफ लगा के खुद कॉफ़ी पी रहा है, मुझे इसने सोडे में लगा दिया, सस्ता काम। इस तरह तुम मेहमान की वो करते हो? मेहमान को कॉफ़ी तो लाहौर में भी मिलती है ना, मेहमान को कॉफ़ी तो लाहौर में भी मिलती है ना, सोडा नहीं मिलता। एक ही दिल है, नोमी कितनी दफ़ा जीतोगे तारा भाई जो गिंदर। ये भाई स्पेशल लेके लगा रहे हैं, कॉकटेल टाइप ही है, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर डल रहे हैं हम, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको 5 कलर्स वाला बना के देंगे हम। सुहेल भाई, 5 कोक। ओहो, नीचे से येलो, ग्रीन, रेड और पर्पल, और ये वो है जो जिसके 5 कलर थे लेकिन अब एक रह गए हैं। यार इनके तुमने नोट नहीं किया, इनके जो ये वाले स्ट्रॉ हैं ज़्यादा पतले नहीं हैं, इनसे नहीं मज़ा आता। अच्छा वैसे खैर, ये जो 5 वाला बना के दिया ना, इसका टेस्ट को खास नहीं है, फारिग है, और ऊपर से ये स्ट्रॉ भी गंदा है।
छोड़ो छोड़ो। तो मैं आ चुका हूँ जी अपने लास्ट स्पॉट पे और वो है जी जंदू की चांपे, और ये घंटा घर के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। और हमारे साथ थोड़ा सा हैंड ये हुआ कि हमारी जो कैमरे की थी बैटरी थी ना वो अप्रॉक्सीमेटली डेड हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जंदू की चांपे मिस नहीं हो सकती। चलते हैं जी, सीन चेक कराते हैं। सो चेक करें जी रात के मनाजिर, वो सामने अगर लाइट ऑन आपको नज़र आ रही हो वो मज़ार है, ये घंटा घर है और ये मुल्तान किताब घर, और उसके बिल्कुल साथ है जी जंदू की चांपे। मैं इसे ना जादू पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या क्या होता है आपके पास? हमारे पास मटन चांप होती है, चिकन पीस और मटन कबाब होता है। मटन कबाब होते हैं, और ये फ्राई और ये ग्रिल का क्या? हाफ फ्राई होता है फिर ग्रिल पे पकता है। अच्छा, पहले हाफ फ्राई फिर ये फ्राई भी होता है और ग्रिल भी होता है। जी जी। और माशाल्लाह कितनी पुरानी दुकान है अपनी? ये 80 साल हो गए पुरानी दुकान। इधर ही होती थी पहले भी? पहले वहाँ होती थी, अब यहाँ है। पहले घंटा घर चौक के साथ पहले गिनाया मैं भी। ये मटन आ गई? नहीं चिकन है। ये भी चिकन है? अच्छा अच्छा अच्छा, मटन है। एक और आ गई, ये आ गई अब मटन, और ज़बरदस्त। इधर ये लगा हुआ है जी, मसाला पड़ा हुआ है, मटन की पड़ी हुई है, चिकन की पड़ी हुई है, कबाब हैं, और यहाँ ये पहले हाफ फ्राई होती हैं और उसके बाद उधर होती हैं ग्रिल। सो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, और ये है जी हमारी मटन चाप, चेक करें, और साथ ये है जी कबाब। और ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि पहले इसको हाफ फ्राई करते हैं, एक ही चीज़ फ्राई भी हो रही है और ग्रिल भी हो रही है। सो ट्राई करते हैं, ये चेक करें, इसको हम लगाएंगे इनकी स्पेशल चटनी में। बगैर चटनी के ट्राई करते हैं। इसका जो ज़्यादा मज़ा आता है ना आपको, वो चटनी के साथ ही आता है, और चटनी ही करारी है। पहली दफ़ा मैंने मटन चाप खाई है इस शक्ल में, वरना तो यू नो मटन ही खाते हैं। ट्राई करते हैं इनका कबाब, और ये कबाब भी मटन का है, चेक करें। ओहो, एक चीज़ मैं कहूँगा, इनका जो कबाब है ना वो चांपों से बाहर है, ये बात तो गारंटी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है, और ये जो इनकी ये जो पहले फ्राई करते हैं ना सारा स्टफ़, इसका ये है कि ये लकड़ी पे होता है। सो जो लकड़ी पे कोई चीज़ जब बनती है तो उसका जो एक स्मोकी फ्लेवर होता है, उसके अंदर जो एक वो अरोमा होता है ना लकड़ी का, वो बहुत फिट होता है। पुराने दिनों की बात है जब लकड़ी पे चीज़ें बनती होती थी, है ना उम्मी भाई? मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ। फुजैल को हमने स्पेशल बुलाया, हम शाहकार आ चुके थे, हमने कहा आप आएँ, आपको हम जद्दू की चापे खिलाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो क्या कहना चाहेंगे, अपने शब्द का इस्तेमाल करें। बस क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर से गोश्त आ रहा है, इतना सख्त गोश्त होता है, और समझ नहीं आ रही थी कि इस हड्डी के ऊपर गोश्त कहाँ कहाँ लगा हुआ है। और नहीं, वो ऐसे ही था कि इतनी ज़्यादा हड्डी थी और इतना सा गोश्त ऊपर होगा, थोड़ा सा गोश्त होगा, बड़ी मुश्किल से दांतों के साथ। मटन ही था मुझे जहाँ तक लग रहा है, और बड़ी मुश्किल से जितने हमारे दांत मजबूत हैं, बड़ी मुश्किल से उसको खींच के हमने उतारा है। और बाकी कबाब अच्छे थे, कबाब अच्छे थे, कबाब और कबाब और चटनी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। चटनी इज़ वेरी गुड। सो जंदू ने कोई ख़ास जादू नहीं किया। सो यहाँ हमारा मुल्तान का सफ़र इख्तिताम होता है, और एक मैं चीज़ मेंशन करूँगा कि जितनी मैंने हाइप सुनी थी ना जंदू की चांपों की, उतना मुतासिर नहीं किया मुझे इन्होंने। हाँ कबाब अच्छे थे, वो आप ट्राई कर सकते हैं, बट चांपे ओके थी, ये वाली ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई की संगेड़े की हदायत पर अमल करना है। फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया नहीं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।